दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आप अपना ईमेल आईडी कैसे बनाएं। बहुत ही आसान शब्द में बताने वाला हूं, ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। उसके लिए आप गूगल में जाएंगे और यहां पे लिखेंगे क्रिएट ईमेल अकाउंट। दोस्तों हर व्यक्ति के लिए जरूरी आज के डेट में हो गया है ईमेल अकाउंट। हर जगह पे सरकारी दफ्तरों में हर जगह पे लिया जा रहा है और ग्लेज वालों के लिए कंपलसरी हो गया अब आईडी बनाने में। तो इसीलिए सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो क्रिएट ईमेल अकाउंट आ गया ऑटोमेटिक, उस पर टिक मारेंगे आ गया ईमेल अकाउंट। अब उसमें ऑफिशियल जो गूगल का साइट होगा उस पर जाएंगे और वहां से ईमेल आईडी बनाने का यहां पे नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, क्रिएट ए गूगल अकाउंट है ना, HTTP सपोर्ट गूगल, उसको ओके करेंगे। ये ऑफिशियल साइट है, इस पर आप देखिए क्रिएट एन अकाउंट है रेड कलर में, उसको आप टिक करेंगे। जैसे ही टिक करेंगे एक इंटरफेस खुल के आया। इंटरफेस में देखिए फर्स्ट नेम डालने के लिए है, लास्ट नेम और यूजर नेम डालने के लिए। तो फर्स्ट नेम अपना नाम डालेंगे, रोशन कुमार, जो भी नाम हो आप अपना नाम डाल दिए। रोशन मैं डाल रहा हूं राजा, ठीक है। ऑटोमेटिक जीमेल बन के आ जाएगा, देखिए सामने नीचे यूजर नेम में आ गया। ये ऑटोमेटिक गूगल की तरफ से बन के आता है, इसको रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो इसको हटा दीजिए और अपने तरफ से एक नाम आप सोच करके रखिए और वो डाल दीजिए, जो आपको याद रहे आसानी में वो आप ऐसा यूजर नेम आप डाल सकते हैं। इसको यही ईमेल आपका होगा, ये ध्यान रखिए। तो रोशन, तो ट्विस्ट लाते हैं, आजा लिख देते हैं, राजा उन्हें नहीं लिखेंगे, आजा रोशन आजा 8051, ठीक है। ये थोड़ा ट्विस्ट ला दिए। अब देखिए ट्विस्ट का आगे क्या कमाल होगा वही मैं बताता हूं, वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आया, पहले पासवर्ड फिर कंफर्म, वही पासवर्ड डालना है, ठीक है। मैं वैसे सिंपल वे में डाल रहा हूं आपको समझाने के लिए, वैसे आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं सरल आसान दे रहा हूं, लेकिन पासवर्ड थोड़ा सा ऐसा पासवर्ड रखिए कि सब लोग ना खोल पाए और लेकिन आप आसानी से खोल लें, आपको याद रहे, ठीक है। आपको समझाने के लिए बना रहा हूं तो सिंपल वे में दे रहा हूं, RAUSHN रोशन, एट द रेट देता हूँ 1 2 3 4 5 6 दे देता हूँ, ठीक है। तो रोशन हो गया और एट द रेट 1 2 3 4 5 6 ये डालूँगा, ठीक है। और वहीं कन्फर्म में भी डालना है, ऊपर नीचे दोनों बराबर, ठीक है। तो RAUSHN रोशन कन्फर्म में, फिर इसका एट द रेट 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको सो पासवर्ड करते हैं, नीचे सो पासवर्ड है, टिक मारेंगे। देखिए यहाँ कहीं गड़बड़ रहेगा तो सो हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ में एट द रेट था ना छूटा हुआ, एट द रेट मैंने लगा दिया। अब दोनों बराबर है, सारा चीज़ चेक कर लीजिए, आपका सब चीज़ कन्फर्म है। इसको आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, नेक्स्ट पेज खुल के आएगा तो वहाँ पे कुछ और डिटेल्स भरने के लिए रहेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए है और रिकवरी ईमेल डालने के लिए है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शनल है, मतलब नहीं भी डाल सकते हैं आप, लेकिन डाल देंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूँ, डाल आगे कैसे काम आएगा ये मैं आपको पता चलेगा आगे, ठीक है। मैं थोड़ा ब्लर कर देता हूँ, माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है सिक्योरिटी की वजह से। तो रिकवरी मेल भी डाल दिया और फ़ोन नंबर भी डाल दिया। रिकवरी मेल मैंने कल के डेट में ये मेल भूल गए तो OTP पासवर्ड किस पे आएगा, तो इस मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल पे आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये डाल दिया, ब्लर कर दिया हूँ, थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा। और नीचे देखिए डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है जेन्युइन डालिए। मैं आपको बताने के लिए समझाने के लिए बना रहा हूं, तो इसीलिए कुछ भी मैं अभी डाल दे रहा हूं। नवंबर दिया, 15 तारीख दिया और 1994 डाल रहा हूं अपना डेट ऑफ बर्थ। वैसे डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, थोड़ा ऊपर नीचे मैं 1920 कर दे रहा हूं। इसके बाद आगे डालने के लिए है जेंडर, जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं आप वो डाल दीजिए। मैं मेल डाल दे रहा हूँ और इसके बाद डालता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज खुल के आएगा जो आगे मुझे क्या इसमें भरना है। यहाँ पे देख लीजिए वेरिफिकेशन जाएगा, यानी फ़ोन नंबर पे एक OTP जाएगा, मोबाइल नंबर शो हो रहा है, इस पर OTP जाएगा, इस पर मैं कर देता हूँ सेंड। सेंड किया, मेरे मोबाइल नंबर पर जाएगा एक OTP, OTP गया मेरे मोबाइल नंबर पर, उस OTP को इसमें डालना होता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन देख लीजिएगा, आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, तुरंत ही आता है। वैसे जो मोबाइल नंबर चालू हो वो मोबाइल नंबर दीजिएगा, जो मोबाइल नंबर पास में हो, क्योंकि OTP जाएगा उस पर, ठीक है। जैसे ही OTP जाएगा, इस OTP को इसमें डालना होता है। चलिए थोड़ा मैसेज बॉक्स में चेक कर लिया जाए, देखिए आ गया है, आ गया है, इसको क्लिक करते हैं। हाँ 8208 03 8208 03 ये मेरा कोड आया, तो 8208 03 इसमें मैं डाल दूंगा और इसको कर दूंगा मैं वेरीफाई कर दूंगा। क्लियर, यस आई एम, मैं हूँ, ये मेरा ही आईडी है, मोबाइल नंबर है या भी जो भी है, उसको आई एम कर दूंगा।
तो या फिर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आई एम इसको मुझे करना है तो आई एम कर देता हूँ, यस आई एम। ठीक है, यस आई एम करेंगे। इसके बाद आएगा कंपनी का रूल रेगुलेशन, है ना, रूल रेगुलेशंस आ गया गूगल का, इसको आई एग्री कर दिया ग्रीन कलर में नीचे करके, आई एग्री। आई एग्री करने के बाद देखिए वेलकम पेज आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा पटाख से, देखिए वेलकम रोशन राजा आ गया ना, ये मेरा ईमेल आईडी बनके रेडी है। अब जहां डालना है डालिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए। अब थोड़ा सा इसको ट्विस्ट जो मैं बता रहा था वो ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ, वो ट्विस्ट क्या है। ठीक है, वैसे देखना चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए वहाँ पर आर लिखा हुआ है, यहाँ पे जितने भी ईमेल मेरे मोबाइल में डाले हुए हैं सारे के सारे शो हो रहे हैं ऊपर में, तो अभी मैंने जस्ट बनाया और बाकी के तीन ईमेल और हैं जो डाले हुए हैं इस मोबाइल में, वो भी शो हो रहा है। ठीक है, ऊपर वाला तो चैनल का है जो आपको पता ही है। अब इसको हम थोड़ा सा ईमेल अकाउंट को खोलते हैं अपने जीमेल ऐप में, स्पेशल अलग से खोल रहे हैं कि खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, जेन्युइन बना है कि नहीं। क्लियर, उसके लिए हम अपना जीमेल का ऐप निकालेंगे और जीमेल ऐप निकल गया, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे खुल गया। और खुलने के बाद देखिए ऊपर में मेरा शो हो रहा है पहले से जो जीमेल डाला हुआ है, लेकिन इसमें वो ईमेल नहीं है जो मुझे अभी खोलना है। तो मेरे ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, फिर गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद आ जाएगा ईमेल आईडी डालने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं ट्विस्ट, यहाँ पे थोड़ा मैं ईमेल जो बनाया हूँ ना वो थोड़ा गड़बड़ डालता हूँ। देखिए RAUSHAN रोशन, RAJA राजा डालूंगा, आजा नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने थोड़ा क्रिटिकल बनाया था ना, लेकिन राजा डाला 8051@gmail.com यही था ना, लेकिन आजा डालना था। अब देखिए नहीं होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए रेड आ गया, यानी आपका ईमेल गड़बड़ है, गड़बड़ रहेगा तो नहीं खुलेगा, थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा नहीं खुलेगा। तो आपके पास ऑप्शन होगा, यदि मोबाइल नंबर डाले रहेंगे तो ये ऑप्शन रहेगा कि यदि भूल गए एक अक्षर भी भूल गए तो कैसे खोलेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे ईमेल के जगह पे अपना फ़ोन नंबर डालिए, वो तो नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ, प्राइवेसी है थोड़ा सा, इसीलिए फ़ोन नंबर डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ओके हो गया। अब मांग रहा है पासवर्ड, मैंने क्या डाला था, RAUSHAN रोशन @ और क्या 1234567। ठीक है, सो पासवर्ड है, चेक भी कर लीजिएगा, सिक्स तक था, सेवन नहीं था, तो सो पासवर्ड करेंगे, और सो पासवर्ड करेंगे तो देखिए पासवर्ड सही है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये खुल गया। आई एग्री मतलब आई एम मैं हूँ, और इसके बाद एग्री कर दीजिए, वेलकम पेज खुल करके आपका ईमेल खुल के सामने आ जाएगा आपके, ये ऐप में खुल रहा है प्रॉपर, यानी ये ईमेल बन गया है, ये खुल गया। ठीक है, अब इसको चेक करना है कहाँ खुला, तो वहीं पे देखिए रोशन 760 गैलवे का जो लोगो है वहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे में है ना रोशन राजा आ गया ना, इसमें ऐड हो गया कि नहीं, अब उसको टिक मारेंगे स्पेशल तो वहीं ईमेल खुलेगा। देखिए यहाँ पे जो भी ईमेल टिक करेंगे उस पर आएगा, तो इस पर टिक करेंगे रोशन राजा सबसे नीचे वाले पे, तो ये वो ईमेल खुल के आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए गूगल की तरफ से एक मेल भी आया हुआ है, इसको क्लिक कीजिए, देखिए आ गया है सारा का सारा ईमेल, हाँ गूगल की तरफ से आया है, तो ये फर्स्ट ईमेल आया है कंपनी की तरफ से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में ईमेल आईडी बनाना आप आसान तरीके से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए रोशन राजा 8051। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, हर जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाइए, हर गैल्वियंस के पास पहुंचाइए, हर लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।